तब आप सोचो कि लोग इतने बड़े आसानी से नहीं बनते। आपकी जिंदगी में तो मतलब मैं सही बताऊं क्या ही हर्डल आए होंगे जो बाकी और लोगों की जिंदगी में, और जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, लाखों लोगों का तो सपना है कि हम ऐसे जिए। सभी लोगों ने होंडा का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा, हाँ बिल्कुल सुना होगा। तो होंडा होंडा क्यों बने? होंडा तो उनका सरनेम था, तो चायरो होंडा, होंडा तो उनका सरनेम था, लेकिन हम उनको किस वजह से जानते हैं? वजह बता सकते हो? हम उनको किस वजह से जानते हैं? हम उनको जानते हैं बाइक्स, कार्स, और होंडा एक्टिवा तो एकदम क्रांतिकारी एक गाड़ी थी, है ना? वो स्कूटी तो मतलब बेस्ट सेलर रही है। तो ये वहां तक कैसे पहुंचे? तो मैं ऐसी एक वीडियो देख रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर, मुझे काफी इंस्पायरिंग लगी वो। होंडा को क्या ना बचपन से क्या गाड़ियों का बड़ा शौक था, तो होंडा मतलब जापान के ही थे, तो उन्होंने एक कंपनी थी वहां पर गए वो, मतलब उन्होंने आवेदन डाला नौकरी के लिए, वहां पहुंचे वो नौकरी करने के लिए। तो वहां उनको मतलब उनके पापा क्या लोहार थे और वो साइकिल वाइकिल सुधारते थे, तो इनका भी बड़ा इंटरेस्ट था कि हम भी ये काम करें। तो ये एक कंपनी में गए, आवेदन किया, बुलाया गया इनको जॉब के लिए, तो इनको कोई काम नहीं करवाया, इनसे झाड़ू पोछा लगवाया। शुरू में ये झाड़ू पोछा लगाते थे उस कंपनी में, लेकिन धीमे 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 अब देखो इनके पास जो काम आया इनने वो किया, फिर वो काम करते रहे। भाई उनने कहा घर जाएंगे बदनामी होगी, यार मैं क्या कर रहा हूँ, या मैं अपने माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊँ। तो उन्होंने फिर क्या करा, धीमे धीमे झाड़ू पोछा करते करते ही वहाँ के जो मालिक थे उनने बोला कि भाई थोड़ा मैकेनिक वाला काम कर लेते हैं, तो उनको वो काम दिया गया, तो उन्होंने वो काम किया, तो वो मैकेनिक थे। फिर उस पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ी आई, है ना, और वो रेस वगैरह पहले हुआ करती थी, वो रेस भी जीते, तो उसमें ये मैकेनिक थे। लेकिन धीमे धीमे इनका थोड़ा नाम होने लगा, कंपनी ने सोचा कि हम दूसरी ब्रांच अपनी डालते हैं, तो दूसरी ब्रांच संभालने के लिए इनको दे दी, तो इन्होंने फिर वहां पर बाइक बनाना चालू कर दी। तो मतलब काफी अच्छा इन्होंने काम किया वहां पर, धीमे धीमे बड़े, देख रहे हो आप, स्लोली स्लोली ये ग्रोथ करते गए और वहां पहुंचे जब ये, और इन्होंने बढ़िया स्पोर्ट्स बाइक बनाई और वो जीत गई। काफी तेज चलने वाली बाइक थी उस जमाने की, क्योंकि इनको क्या है ये मशीन और इन सब में बड़ा मजा आता था। फिर उन्होंने सोचा कि यार कुछ अपना काम करते हैं, तो इन्होंने मतलब पार्ट टाइम यहाँ भी करते थे और साथ में अपना भी काम चालू करते थे, इनके दोस्त थे दोनों लोगों ने साथ में काम चालू किया था। तो बढ़िया इन्होंने वहां पर काम किया, मतलब पार्ट्स बनाए इन्होंने, मशीन्स बनाई, और वो इन्होंने बाकी लोगों को बेचना चालू करे। शुरू शुरू में उतना वो नहीं मिलता था कि यार लोग रिजेक्ट कर देते थे, 40-45 डिजाइन इन्होंने बनाई वो रिजेक्ट हो गई, एक दो ही अप्रूव हुई, तो इन्होंने उस पर काम करना चालू करा। और काम करते करते फिर लोगों को धीमे धीमे वो पसंद आने लगा, फिर इन्होंने क्या करा अपनी कंपनी बना ली, और फिर हो गया भाई वर्ल्ड वॉर, यहां से इनकी जिंदगी पलट गई। तब सही चल रहा था यहाँ पे, है ना, यहाँ से इनकी जिंदगी पलट गई। वर्ल्ड वॉर हुआ तो एक मिसाइल जो थी या बॉम्ब बोल लो उसको, वो इनकी कंपनी के जो फैक्ट्री थी ना उसके ऊपर गिर गया और सब कुछ खत्म हो गया इनका। आपको पता ना वर्ल्ड वॉर हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया इनका। तो सोचो मतलब कहाँ थे, मेहनत करके कहाँ पहुंचे थे, सब चीजें बढ़िया चल रही थी, एकदम ग्रोथ चल रही थी कंपनी में। उसके बाद जो लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें इनकी पूरी की पूरी फैक्ट्री निपट गई। तो सोचो कितना डीमोटिवेटिंग वहां पर हुआ होगा। फिर उन्होंने क्या करा, कुछ समय के बाद जो वॉर से इंजन निकले, उस इंजन को इन्होंने एक साइकिल में लगाया। देख रहे हो, सोच देख रहे हो आप, ऐसा नहीं कि वो बैठ जाते कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया मेरे जीवन में, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैंने जितना किया वो सब चला गया। तो जो वहां के मोटर्स थे इंजन थे, वो निकाला इन्होंने साइकिल में लगाया। और उस समय तो भाई इकोनॉमिक क्राइसिस तो जबरदस्त है ही जापान में, तो इन्होंने वो साइकिल में लगाया, और वो साइकिल में इंजन लगाया जब, तो लोगों को बड़ा पसंद आया, तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई कि यार अब देख रहा हूं ना, ये उसी चीज का भाई नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है इनके अंदर। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया, डिमांड बढ़ गई कि यार और दो और चाहिए ऐसी साइकिल हमें। तो इन्होंने धीमे 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 उसका भी एम्पायर बड़ा किया। तो इन्होंने फिर स्लोली स्लोली स्कूटी बनाना चालू करी, बाइक बनाना चालू करी, तो बड़ी कंपनी स्टेबल कर ली इन्होंने। फिर उसके बाद इनको लगा कि यार नहीं, मुझे कार बनानी चाहिए,
रहे हो आप, मतलब कहां से कहां, विजन भी देखो, मोटिवेशन भी देखो इनके अंदर, और कभी ना हारने वाला एटीट्यूड भी देखो। तो इन्होंने सोचा कि यार चलो बाइक वगैरह तो बना ली हमने, और लीडिंग पोजीशन पे आ गए ये बाइक बनाते बनाते, धीमे धीमे मॉडिफिकेशन होते रहते हैं सालों साल। तो 8-10 साल में ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने कार बनाना चालू करी, और सबसे पहले इनकी कार थी रिजेक्ट हो गई, दूसरी कार थी रिजेक्ट हो गई। इतना आसानी से नहीं मिलता ना भाई। इन्होंने सोचा कि नहीं, लोगों ने मना किया, तुम तो बाइक बनाते हो, कार क्यों बना रहे हो, तुम तो बाइक के स्पेशलिस्ट हो, बाइक बनाओ यार, कार में क्यों आ रहे हो। तो इन्होंने क्या करा, एक कार बनाई, दूसरी कार बनाई, तीसरी कार बनाई, सब फेल। फिर उन्होंने बनाई होंडा सिविक, आप लोगों ने शायद आज भी नाम सुना होगा। तो होंडा सिविक जब इन्होंने बनाई, तो वो गाड़ी इनकी चल गई, है ना, वो गाड़ी इनकी चल गई। और धीमे धीमे इन्होंने फिर कार वाली चीज में भी ये आए, और आज की डेट में सब लोग जानते ही हैं होंडा की कार चलती है। और होंडा की कार का बड़ा फेमस है कि भाई इंजन अपना यूज करते हैं वो, क्योंकि वो चीज कहाँ से आई है, सुचैरो होंडा से आई है, क्योंकि वो जानते थे कि इंजन कैसे बनते हैं, क्या चीजें उसमें लगती है, और वो उन्होंने सीखा। और इस पूरी जर्नी में पता है उन्होंने क्या किया, इस पूरी जर्नी में उन्होंने एक 3 साल का मेटलर्जी का कोर्स भी किया है। तो जो कंपनी में जब काम करते थे ना, वहां से उन्होंने छुट्टी लेके 3 साल मेटलर्जी इसलिए पढ़ी कि इंजन में जो चीजें लगती हैं वो मुझे सीखनी है। देख रहे हो आप, कहाँ थे, शुरू में कोई पढ़ाई नहीं करी, फिर मेटलर्जी करी, फिर ये सीखा कि यार इंजन में क्या क्या चीजें लगती हैं, किस टाइप के पार्ट्स यूज होते हैं, और मैं क्या सीख सकता हूं, मतलब ये सारी चीजें हैं। समझ रहा बात, मेटलर्जी कर रहे हैं ना, 3 साल अपने लगा रहे हैं किसमें, सीखने में। नहीं तो कोई होता तो कहता मैं पढ़ाई में क्यों लगाऊं, और उस टाइम के हालात कुछ अलग थे। उस टाइम पे कोई अभी नहीं सोच पाते लोग, अभी अगर कोई बोल दे कि यार 3 साल पढ़ लो फिर बाद में आ जाना काम करने, लोग कहते नहीं हम तो यही करेंगे। तो उस समय के हिसाब से अगर सोचो तो बहुत ही बड़ा ये था काम, है ना। तो काफी इंस्पायरिंग स्टोरी मुझे लगती है ये। और इनका जो टर्निंग पॉइंट था वही था जब इनकी फैक्ट्री पर बम गिरा, सब खत्म हो गया, जीरो पे आ गए, और फिर जीरो से कहाँ पहुंचते हैं वो इन्होंने करके दिखाया, है ना। आपको ये स्टोरी बिल्कुल यूट्यूब पे मिलेगी, मैंने थोड़ी बनाई है, मुझे भी कहीं से मिली है ना। तो मैं भी ऐसी देख रहा था, एक बार स्क्रॉल कर रहा था, मैंने कहा देखें यार, बड़ा नाम सुना है होंडा का, हमारे घर में होंडा एक्टिवा भी है तो हमने कहा सुनते हैं जरा, अच्छी लगी तो मैंने कहा बच्चों को सुनाई जाए।